उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी के पंजाब के इंचार्ज हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले सवाल है उत्तराखंड से। वहाँ पर एक क्राइसिस जो है उभर कर सामने आया है मुख्यमंत्री को लेके, और उनको जो है दिल्ली तलब किया गया है। कैसे देखते हैं सिचुएशन को आप? पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 151A के अनुसार जिस विधानसभा का कार्यकाल केवल एक साल का रह गया है, अवशेष कार्यकाल, तो वहाँ बाय इलेक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि अब तीरथ सिंह रावत जी के लिए चुनाव लड़ने के लिए कोई जगह वो लड़ ही नहीं सकते। कोई कानून के तहत उनके पास कोई उपाय नहीं है। तो ऐसी हालत के अंदर तीन ही चीज़ें हैं, या तो वो इस्तीफा दें, न वो इस्तीफा देंगे और नए व्यक्ति को चुने भाजपा, उसमें भी फजीहत होगी। दूसरी यह है कि बीच में गवर्नर शासन करें, उसमें भी उनकी फजीहत होगी। तो आप भाजपा किस तरीके से अपनी फजीहत कराना चाहती है, ये भाजपा को तय करना है। मगर भाजपा की फजीहत होनी ही होनी है, क्योंकि एक आप राज्य चलाना चाहते हैं और इतनी सामान्य सी बात का ध्यान नहीं रखा है। तो ये एक नेशनल पार्टी का उत्तराखंड के प्रति कितना कैजुअल एटीट्यूड है, ये दिखाई देता है। और उत्तराखंड उनके इस कैजुअल एटीट्यूड से बड़ा हर्ट महसूस कर रहा है, बहुत चोट लोगों की भावनाओं को लगी है। कहा यह जा रहा है कि एक और भी ऑप्शन है, वो है जल्दी चुनाव करवाने का, तो उसको किस तरह देखते हैं? आपकी स्टेट में क्या चुनाव जल्दी हो सकते हैं? यदि एक मुख्यमंत्री या एक पार्टी की गलती के लिए राज्य के ऊपर पहले चुनाव थोप दिए जाते हैं, तो फिर ये भाजपा के लिए एक बड़ा ही आत्मघाती कदम होगा। और देखते हैं कौन क्या कदम उठाती है। एनीवे गलती वो बहुत बड़ी कर चुके हैं और उत्तराखंड के लोगों की भावना को इससे बड़ी चोट पहुंची है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली उत्तराखंड चुनाव के लिए, आप भी जो है वापस वहां पर एक बड़े जो है जिम्मेदारी के साथ जा सकते हैं, उस पर आपको क्या कहना? मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, जहाँ जिस काम पर लगाएंगे उस काम को लगेंगे करेंगे। लेकिन कांग्रेस की तैयारियाँ बड़ी मुकम्मल हैं और कुछ काम हमारा भाजपा भी हल्का कर दे रही है, उनके मुख्यमंत्री हल्का कर दे रहे हैं। और जो पुराने रावत थे, जो नए रावत हैं, ये भी हमारे प्रति मददगार हैं। आप उत्तराखंड से आते हैं जहाँ चुनाव होने हैं, लेकिन आप इंचार्ज हैं पंजाब के, जहाँ भी साथ ही जो है चुनाव होंगे। पंजाब की अगर बात करी जाए तो कल नवजोत सिंह सिद्धू आए, वो राहुल गांधी से भी मिले, प्रियंका गांधी से भी मिले, लेकिन जब शाम को मुलाकात हुई तो बातें निकल कर नहीं आई कि आखिरकार बातचीत क्या रही, और क्या कहीं ना कहीं मसला एक सुलझता हुआ सा नज़र आ रहा है? देखिए, अपने नेताओं से मिले हैं, आए हैं, बात की है, तो कुछ न कुछ उन्होंने अपना सॉल्यूशन भी चीज़ों का पंजाब के विषय में जो उनकी समझ है वो सामने रखी होगी, उससे चीज़ों को रिजॉल्व करने में मदद मिलेगी। एक अच्छी बात है वो आए और हमारे नेतागणों से मिले, पार्टी के नेतागणों से मिले। इसमें ये भी चीज़ निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ तो मुलाकात हो रही थी, वहाँ पे लंच डिप्लोमेसी शुरू हो गई है, वहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारे MLAs को बुलाया। इसको उसके रिएक्शन में देखना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ अन्याय है, और वो पहले भी इस तरीके के 6-7 लंच होस्ट कर चुके हैं। वो MLAs को बुलाते हैं या पार्टी के नेताओं को बुलाते हैं, उनके साथ बैठ करके खाना खाते हैं और समस्याओं पर बातचीत करते हैं। हरीश रावत जी हमसे बात करते हैं कैंपस गंगा सिंह के साथ, मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।